हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ट्रेडिंग लैब चैनल पर। दोस्तों, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को और डिटेल से समझाइए। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, उन चीज़ों को बताइए। ये जो रिक्वेस्ट थी, ये काफ़ी एक्सपीरियंस जो ट्रेडर्स हैं उनकी तरफ से आई थी, क्योंकि जो नए ट्रेडर्स हैं जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा इंडिकेटर्स का सहारा लेते हैं और इंडिकेटर्स के माध्यम से सीखते हैं। क्योंकि देखिए, आपको ज़रूरत भी होती है कोई एक टूल की जो आपको जो है प्राइस एक्शन को काफ़ी स्मूथ करके दे देता है। लेकिन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग जो है वो एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग मानी जाती है। इसकी काफ़ी टेक्निक्स मैंने आपसे शेयर की है, लेकिन इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर, मैं सारी जो भी टेक्निक, जो भी बेस होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का, जिन जो भी आपका रूट होता है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का, उसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, आपको काफी वैल्यू इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की, तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आखिर होता क्या है? प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्यों प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अभी भी इतना पॉपुलर है? देखिए, सबसे पहली चीज ये होती है कि प्राइस जो होता है वो किंग होता है, बाकी सारी चीजें क्वीन होती हैं। आपका प्राइस जो है वो किंग है, यानी राजा है, और बाकी जो है वो राजा की रानियां हैं। इंडिकेटर ले लो, जो सारे इंडिकेटर्स हैं हजारों तरह के, वो राजा की रानियां हैं। आपको पता होगा कि पहले ज़माने में राजा की कितनी रानियां होती थी, लेकिन राजा एक होता था। तो राजा जो है वो प्राइस है, प्राइस की सारी जो रानियां हैं वो इंडिकेटर्स हैं, ऐसा समझते हैं। तो यहाँ पे प्राइस को समझना बेनिफिशियल इसलिए रहता है क्योंकि देखिए, इंडिकेटर्स जो होते हैं वो थोड़े लैगिंग होते हैं, लीडिंग लैगिंग दोनों होते हैं। लेकिन जो भी आपके इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे मूविंग एवरेज हो गई, ये लैगिंग इंडिकेटर में आते हैं। ये प्राइस पहले रिएक्ट कर जाता है, लेकिन ये बाद में रिएक्ट करते हैं। तो आपको क्या करना होता है कि आपको इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करना होता है। जब भी प्राइस का ट्रेंड चेंज देखना है तो आपको इंडिकेटर के साथ कंबाइन करके देखना होता है। देखिए, मेरे पास कोई भी चार्ट ले लेते हैं। जैसे देखिए, रिलायंस का चार्ट ले लेते हैं। इसको हम प्राइस एक्शन का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम प्राइस एक्शन के बेसिस पे, अगर देखिए मैं इसको पॉप आउट कर देता हूं, और पॉप आउट करने के बाद जो है आपको यहां पे प्राइस एक्शन का सब कुछ हटा देते हैं। जो भी मेरे पास इंडिकेटर लगे हुए हैं वो सारे इंडिकेटर हटा देते हैं हम यहां पे, और ये देखने की कोशिश करते हैं कि प्राइस एक्शन के माध्यम से अगर हम एक चार्ट को देखेंगे तो कैसे देखेंगे। सबसे पहली चीज तो देखिए दोस्तों, इंट्राडे में अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो अलग चीज होती है। आप स्विंग में प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा वहां पे कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं, क्योंकि देखिए, इंट्राडे में आपको बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव रहना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव, मतलब आप प्राइसेस के साथ रिएक्ट करना पड़ता है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग में आपको प्रोएक्टिवली देखना होता है कि कहां पे प्राइस आएगा तो मैं बाय करूंगा। लेकिन यहां पे इंट्राडे में क्या होता है कि थोड़ा प्राइस रिएक्शन, थोड़ा प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है, तो आपको वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना होता है। क्योंकि आप इंट्राडे में, आपके पास जो है ना बफर बहुत कम होता है, टाइम का बफर बहुत कम होता है। तो देखिए, यहां पे अगर आप इस चार्ट का प्राइस एक्शन ट्रेडिंग एनालिसिस करेंगे, जैसे देखिए यहां पे है, तो एटलीस्ट मैं एटलीस्ट 10 मिनट की एक कैंडल बनने दूंगा। उससे पहले मैं कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि उससे पहले अगर आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो दोस्तों गैम्बलिंग के अंतर्गत आ जाता है, वो प्रोफेशनल ट्रेडिंग नहीं होती, और आप गैम्बलर नहीं है, आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं। तो एटलीस्ट आप 10 मिनट की कैंडल को वेट करेंगे। 10 मिनट की कैंडल में आप ये देखेंगे कि 10 मिनट की कैंडल बनी कैसे है। देखिए, मैं अपना प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का तरीका आपको बता रहा हूं। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आप कैसे देखते हैं। तो यहां पे देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं ये देखूंगा कि क्लोजिंग कहां पे है, प्राइस ने कैंडल के रिस्पेक्ट में क्लोजिंग कहां पे दी। क्लोजिंग से आपको, देखिए मैंने आपको कैंडल का वीडियो पहले भी बताया हुआ है, कैंडल का वीडियो मैंने आपको पहले भी अपने चैनल पे दिया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो देख लो। देखिए, कैंडल के जोन्स होते हैं कुछ, कि कैंडल कैसी कैंडल होती है। कैंडल जो है, देखिए कैंडलस्टिक के पैटर्न्स अलग होते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि ये कैंडल की क्लोजिंग जो है वो प्राइस के मुकाबले में कहाँ पे है। अब देखिए, यहाँ पे ये एक बहुत ही बुलिश कैंडल मानूंगा मैं इसको। क्यों? क्योंकि देखिए, इसमें हाई जो बनाया वो कितना बनाया, 3974 का बजाज फाइनेंस ने, और यहाँ पे जो क्लोजिंग दी पहले 10 मिनट की वो 3972 पे, मतलब ये हाई के आसपास की क्लोजिंग दी है। तो ये एक बुलिश कैंडल है, और मैं इसमें ब्रेकआउट को ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, कि ब्रेकआउट ढूंढूंगा मैं इसमें, और ब्रेकआउट को ट्रेड करना मैं क्या करूंगा कि मैं इस हाई पे एक लाइन खींच दूंगा। सिंपल टेक्निक होती है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की। ब्रेकआउट अगर ट्रेड करना है आपने, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग भी काफी तरीके की होती है, ट्रेंड की ट्रेडिंग होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा इसके बारे में बताया था कि ट्रेंड की ट्रेडिंग होती है, दूसरा जो है आपका ब्रेकआउट की ट्रेडिंग होती है, आपका रिट्रेसमेंट की ट्रेडिंग होती है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। लेकिन अब इस वाले में मैं ब्रेकआउट की ट्रेडिंग पर ज़्यादा फोकस करूंगा, जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मानी जाती है। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा,
और ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन पहले 10 मिनट की हाई और लो पे रख दूंगा, लेकिन मैं लो पे ज़्यादा फोकस करूंगा नहीं क्योंकि मुझे पता है कि ये बहुत बुलिश कैंडल है और ब्रेकआउट आएगा तो सेकंड कैंडल में भी आ सकता है। ये 10 मिनट की कैंडल आपको लेनी है, 5 मिनट की बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ब्रेकआउट आएगा, अब मैं आपको पॉसिबिलिटी बताता हूँ, आपको ये देखना है कि ब्रेकआउट इसमें आएगा, ऊपर की तरफ की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। हाँ, नीचे की तरफ भी आ सकता है क्योंकि देखिए अगर मार्केट 10 मिनट के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा बेरिश हो गई जैसे कि फ्राइडे को हुई थी, तो 10 ये जो है इसको ब्रेक नहीं कर सकेगा, इसके अंदर घूम घूम के नीचे की तरफ निकलने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे अगर उस दिन बहुत ही ज़्यादा बेरिशनेस है। तो ये मार्केट कंडीशन भी आपको जज करनी है, मार्केट कंडीशन का अलग से बात करेंगे कि मार्केट कंडीशन जज करने के क्या क्या चीज़ें होती हैं और बाकी सारी चीज़ों को इनको आपको साथ रख के देखना है। तो ऊपर की कैंडल जो है वो ब्रेकआउट आपके सेकंड कैंडल पे भी दे सकती है, थर्ड पे भी दे सकती है, फोर्थ, फिफ्थ, एटलीस्ट आपका शुरू के 45 मिनट आपको वेट करना होगा। अब ये ट्रेडर्स क्या है कि वेट ही नहीं करते, वो कहते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग भी बेकार है क्योंकि हमें तो प्राइस जो है बहुत जल्दी अपना जो है चेंज दिखा रहा है, हमें तो बहुत जल्दी ट्रेड करना है और कामों में लगना है। तो दोस्तों ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती ना, यहां पर आप पैसा कमाने के लिए बैठे हो, अगर आप यहां पर पैसे से पैसा बनाने के लिए बैठे हो मार्केट में, तो आपको जो है ट्रेडिंग को में पेशेंस दिखानी पड़ेगी। अब देखिए आप जो आप कोई भी, अब एग्जांपल लेते हैं, आप अगर जॉब करते हो, कोई काम करते हो, तो क्या आप मान लो कोई नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, आपकी कोई शॉप है और आपके पास कस्टमर्स आते हैं, तो क्या कस्टमर आपके सुबह दुकान खुलते ही आ जाता है? आपने 9:15 बजे दुकान खोली मान लो अपनी, मार्केट भी 9:15 बजे खुलती है, क्या 9:15 बजे उठ ही आपका कस्टमर आ गया और जो पहला कस्टमर आया वो क्या आपसे चीज़ खरीद के लेके गया या दूसरा कस्टमर आया वो चीज़ खरीद के लेके गया? नहीं। तो ट्रेडिंग में आप ये चीज़ कैसे सोच सकते हो कि पहली कैंडल पे ही ब्रेकआउट आ जाएगा, दूसरी पे ब्रेकआउट आ जाएगा? क्या पता पहली पे जो ब्रेकआउट आया है वो फॉल्स ब्रेकआउट हो, पहला कस्टमर जो आपकी दुकान पे आया वो बस आपका 15 मिनट खा के चला गया और कुछ लेके नहीं गया, फॉल्स कस्टमर था। तो यहाँ पे आपको देखिए, लेकिन फॉल्स कस्टमर भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट भी आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो मेरा पॉइंट आपको यही है कहने का कि ट्रेडिंग जो होती है दोस्तों वो बिजनेस होती है, और बिजनेस में ये नहीं होता कि हाथों हाथ कस्टमर आ जाएगा, हाथों हाथ आपका ब्रेकआउट आ जाएगा या हाथों हाथ कोई स्टॉक ट्रेंड पकड़ लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, पेशेंस की लाने की प्रैक्टिस करो कि कैसे आप पेशेंस ला सकते हो, पेशेंस लाने के तरीके क्या हैं, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ। स्ट्रैटेजी मत ढूंढो कि प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मिल जाए, प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मिल जाए, एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी पर मत जाओ। आप ये देखो कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपके लिए है तो उसमें भी पेशेंस चाहिए आपको। अब मैं बता रहा हूँ ये आपको, लेकिन कई जो ट्रेडर्स हैं वो बोलेंगे कि नहीं जी ये भी नेट पे बहुत है। अरे सर, नेट पे तो हर चीज़ अवेलेबल है लेकिन फॉलो करने वालों की कमी है। नेट पे हर चीज़ अवेलेबल है आपके पास, आप फिंगर टिप पे आप वेबसाइट खोलिए प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की, मेरे से भी बढ़िया समझाने वाले मिल जाएंगे, मेरे से भी बढ़िया समझाने वाले मिल जाएंगे आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। लेकिन आप फॉलो नहीं कर रहे ना, आप फॉलो नहीं कर रहे, एक एक वीडियो से दूसरा वीडियो देखते जा रहे, तो कोई फायदा नहीं। एक स्ट्रैटेजी पकड़ो, उसको मास्टर करो, उसी पे अपना फोकस रखो, तब ट्रेडिंग में जो है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रहने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी, अब एक बिजनेस आपने शुरू कर लिया, अगर वो वहाँ पे कस्टमर नहीं आ रहा तो क्या आप दूसरी उसी समय दूसरे बिजनेस पे फोकस करने लग जाते हो? नहीं, आप ये देखते हो कि मेरे इस बिजनेस में क्या कमी है, मेरे इस बिजनेस में क्या कमी है जो मेरे पास कस्टमर्स नहीं आ रहे। तो आप ये देखोगे कि मेरा ये सेटअप में क्या कमी है जो मैं मेरे को यहाँ सिग्नल नहीं मिल रहे, मेरे को यहाँ लॉसेज हो रहे हैं या प्रॉफिट्स कम मिल रहे हैं, जो भी चीज़ें हो रही हैं आप इसी चीज़ पे फोकस करोगे ना। तो देखिए यहाँ ब्रेकआउट आता है तो वो फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ये प्रैक्टिकल आपको टेक्निक बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना होता है दोस्तों, आपको चार्ट के सामने बैठना है और वेट करना है। इसका स्क्रीनर भी बन जाता है 15 मिनट के ब्रेकआउट का, आप इस पे चार्टिंग के अंदर स्क्रीनर भी बना सकते हैं, वो स्क्रीनर बनाना भी मैं आपको वीडियोस में बता दूंगा, लेकिन आपको वेट ज़रूर करना पड़ेगा। वो भी आपको नोटिफिकेशन दे देगा, आप और काम में लग सकते हो, वो चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ एंट्री लेनी होती है और आपको टारगेट आप जितना रखो, आप टारगेट लोग कहते हैं कि कोई 1:2 रखता है, आप देखिए अगर छोटे ट्रेडर हैं, टाइम आपके पास कम है, तो यहां पे आप आधा से 1% लेके निकल सकते हो। अगर आप पूरा दिन बैठोगे तो देखिए, अगर आप पूरा दिन बैठते हो तो आपको बड़ा प्रॉफिट भी मिल जाता है। अगर पूरा दिन बैठते हो तो देखो यहां पे ये वाला चार्ट जो है अगर आप देखोगे तो काफी ऊपर की तरफ गया बजाज फाइनेंस का, देखिए। तो आप पूरा दिन बैठोगे तो अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाएगा, लेकिन वो ये नहीं सोचोगे कि आप पूरा दिन जो प्रॉफिट मिलना है वो हाथों हाथ शुरू में सुबह ही मिल जाए, वो बहुत रेयर होता है। कोई भी मोमेंटम मूव आपने कैप्चर कर ली, बहुत ही तगड़ा मोमेंटम था किसी स्टॉक की, बहुत ही ज़्यादा बेरिश या बुलिश होने की संभावना ज़्यादा थी, उसकी बहुत अच्छी या बहुत ही बेकार खबर थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा शुरू में ही
मूव दे गया ऊपर या नीचे की, तो वो चीज हो जाएगी। लेकिन ब्रेकआउट जो ट्रेडिंग होती है दोस्तों, वो ये होती है। अब इसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि वॉल्यूम्स के साथ इसको कंबाइन करके देख सकते हो। ये बेसिक ब्रेकआउट ट्रेडिंग होती है, लेकिन इसमें ऑपरेटर के ट्रैप भी होते हैं। ऑपरेटर के ट्रैप क्या होते हैं ये कोई नहीं बताएगा आपको, ब्रेकआउट ट्रेडिंग सब बता देंगे, लेकिन ऑपरेटर का ट्रैप क्या होता है कि शुरू में जो है आपका यहाँ पे ये वाला स्टॉक ऊपर चला गया और ब्रेकआउट दे गया, थोड़ा सा यहाँ ब्रेकआउट दिया और एक ऊपर की विक बना देगा। ये विक आपको पता है ना, ऊपर की एक विक बना देगा, जैसे ये विक है, ये यहाँ पे बना के और धम 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 नीचे गिर जाएगा। वो क्या करते हैं, लॉन्ग वाले ट्रेडर्स को ट्रैप करता है। ऑपरेटर से बचना बहुत मुश्किल है दोस्तों, जो मार्केट को ऑपरेट कर रहा है वो क्या करेगा कि यहाँ पे जो लोग ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं उनको ट्रैप करेगा। वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को भी ट्रैप करते हैं, ये मत सोचो कि एमेच्योर ट्रेडर्स जो नए नए मार्केट में आए हैं उनको ही ट्रैप किया जाता है। ऑपरेटर जो होता है वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स के माइंड से भी खेलता है और ट्रैप करता है ब्रेकआउट में। कैसे करता है, यहाँ पे दोस्तों ये विक बनाता है, यहाँ से ऊपर की तरफ ले जाएगा और इसको पूरा ऊपर की तरफ नहीं लेके जाएगा और वहाँ से एक विक बना देगा ऊपर की तरफ और वापस नीचे ले आएगा। यानी जो भी ब्रेकआउट वाले ट्रेडर्स थे उनको एंट्री दिलवा देगा और उनको एंट्री देके और फिर वापस नीचे की तरफ लेगा और उनका स्टॉप लॉस हिट करके उनका पैसा ले जाएगा ऑपरेटर। ये ऑपरेटर का सबसे कॉमन ट्रैप जिसे बुल ट्रैप बोलते हैं, और ये ब्रेकआउट में आता है दोस्तों, बहुत ब्रेकआउट में ही आता है। और 60-70% ऑफ द टाइम ब्रेकआउट चलता है और 30% ऑफ द टाइम वो ट्रैप में जाता है। हर बार ये नहीं होगा कि ये इतना बड़ी मूव मिल जाएगी। अगर जो कोई ये बता रहा है तो वो दोस्तों आपको अधूरी पिक्चर दिखा रहा है, वो सिर्फ आपको जो है आपको प्रॉफिट वाली ग्लू जो बहुत ही ब्राइट पिक्चर दिखा रहा है, इसकी नेगेटिव साइड है ऑपरेटर से बचना। ऑपरेटर से कैसे बचें, तो उसका तरीका दोस्तों ऑपरेटर से बचने का ये होता है कि आपको ब्रेकआउट के बाद रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ता है। ये ऑपरेटर से बचने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, और काफ़ी भी तरीके हो सकते हैं कि जब ब्रेकआउट आ रहा है तो ब्रेकआउट आने दो पूरा, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आने दो और रिट्रेसमेंट पे देखो कि यहाँ पे जो ये आपने लाइन खींची थी, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन इसके हाई पे 10 मिनट के, यहाँ पे क्या ये देखिए रिजेक्शन बनता है, तो ये आपको एक सिग्नल आता है कि हाँ यहाँ से एक ऊपर की मूव आ सकती है, कि एक इम्पल्स आया फिर वापस रिट्रेस। देखिए दोस्तों, इम्पल्स और रिट्रेसमेंट को मास्टर करने के अलावा प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में और कोई चारा नहीं है। ब्रेकआउट आप ढूंढ लोगे, लेकिन अगर आपने इम्पल्स और रिट्रेसमेंट को मास्टर नहीं किया तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में इतना ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ रिट्रेसमेंट के ऊपर देखिए ये विक बनती है, ये बोधी होती है, ये क्या है, ये देखिए विक है, ये नीचे की तरफ विक बनी, इसका मतलब यहाँ से प्राइसेस रिजेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं जो रिजेक्ट कर रहे हैं और वो ऊपर की तरफ इसको पुश कर रहे हैं। अब ऊपर की तरफ पुश किया लेकिन फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया, ये नीचे ऊपर चलता रहेगा, ये इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर जो आप ब्रेकआउट वाली कर रहे हो तो ये नहीं है कि आपको हाथों हाथ यहाँ से ये वाली जो मूव अगर आप ललचा रहे हो देख के, ये वाली मूव आपको यहाँ से भी मिल सकती थी, कहीं से भी मिल सकती थी, लेकिन अगर आपके अंदर इतनी पेशेंस है कि आप होल्ड करके बैठ सको ब्रेकआउट के बाद, रिट्रेसमेंट का वेट कर सको, तो ही दोस्तों ट्रेडिंग में रहना, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग या ब्रेकआउट ट्रेडिंग को मास्टर करना। ये प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ मैं, कोई ये आपको थ्योरेटिकल बातें नहीं बता रहा, जो मेरे एक्सपीरियंस की हुई हैं। बुल ट्रैप ऐसे बियर ट्रैप होता है, अगर नीचे की तरफ आप चले जाओ तो नीचे की तरफ ऑपरेटर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है और उसको वहाँ पे विक बना देता है फॉल्स, और वहाँ से वो और ऊपर की तरफ स्टॉक को ले जाता है। तो शुरू के आधे घंटे में वो सारे शॉर्ट ट्रेडर्स को ट्रैप कर देता है और उनका पैसा खींच के ले जाता है। ये बुल ट्रैप और बियर ट्रैप होता है मार्केट में, और ये बहुत कॉमन तरह के ट्रैप हैं। आप नोटिस करना, आप कल खुद नोटिस करना ब्रेकआउट्स को बनता हुआ किसी भी एक निफ्टी 50 के स्टॉक में, निफ्टी 50 में मैं बोल रहा हूँ जिनमें कि काफ़ी लिक्विडिटी होती है, जिनमें ऑपरेटर्स भी ट्रेड कर रहे होते हैं, FNO के स्टॉक्स में नोटिस करना। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ है ब्रेकआउट समझ में आ जाएगा, फिर जितना हायर टाइम फ्रेम चले जाओगे उतनी रिलायबिलिटी आपकी थोड़ी बढ़ती जाएगी, जितना आपका टाइम फ्रेम छोटा होगा उतनी उसकी रिलायबिलिटी कम होगी। अब यहाँ देखो तो यहाँ आपको बहुत ही क्लियर पिक्चर दिखेगी, 15 मिनट का ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट यहाँ भी लिया, वापस यहाँ भी लिया और वापस अप मूव आ गई। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको ब्रेकआउट का पहली चीज़ मैंने बताई है, ब्रेकआउट का वेट करना है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग अगर करनी है, यही है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। इसके अलावा एडवांस लेवल की प्राइस एक्शन ट्रेडिंग इंट्राडे में कम अप्लाई होती है और स्विंग ट्रेडिंग में ज़्यादा अप्लाई होती है, क्योंकि इंट्राडे में दोस्तों फ्लक्चुएशन बहुत है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, क्योंकि जब से निफ्टी
का जो वीकली ऑप्शन आया ना, उसके बाद से हलचल काफ़ी बढ़ गई हैं। और आपने देखा कि जैसा कि आपने अभी ट्रंप का इम्पीचमेंट चल रहा था, उनका ट्रायल था, उन पे आरोप लगे थे कि उन्होंने जो है 2020 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें जो डेटा है उससे कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं वो। तो एक विसल ब्लोअर ने वहाँ पर कंप्लेंट करी कोर्ट में, और वहाँ उनका इम्पीचमेंट का ट्रायल था, तो उस दिन निफ्टी गिर गया, सारी एशियन मार्केट गिर गई। अगले दिन उन्होंने बोला कि हमारी यूएस चाइना से ट्रेड डील होने वाली है, तो निफ्टी कैसे भागा थर्सडे को, देखा आपने। फिर फ्राइडे को वापस गिर गया क्योंकि वो और कोई बेरिश न्यूज़ आ गई। तो ये डेली चल रहा है, निफ्टी का कोई श्योर शॉट ट्रेंड अभी देखने को नहीं मिल पा रहा है, निफ्टी एक टाइट कंसोलिडेशन में है। तो इंट्राडे के अंदर दोस्तों ब्रेकआउट्स पे बहुत ज़्यादा मास्टरी चाहिए आपको, आप लॉन्ग टर्म में जैसे डेली चार्ट पे ब्रेकआउट जो आ रहा है उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट ले जाएंगे, लेकिन अगर इंट्राडे में आप प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं तो ब्रेकआउट्स को सही तरीके से संभल के ट्रेड कीजिएगा। जो मैंने आपको तरीके बताए हैं कि ब्रेकआउट के बाद उस रेंज को वापस टेस्ट करने दो, रेंज को बनने दो, और फिर वापस जब रेंज जूम करती है तब एंट्री लो और तब वहां पे ट्रेड करो। और जो स्टॉक अपना हाई ब्रेक करता जा रहा है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का गोल्डन रूल है, जो स्टॉक अपना हाई को बार बार ब्रेक कर रहा है इंट्राडे में, एटलीस्ट एक से दो बार ब्रेक कर चुका है, तो उस स्टॉक से आपको पैसा बन सकता है। या कोई स्टॉक अपने लो को ब्रेक कर रहा है इंट्राडे में, एक से दो बार ब्रेक कर चुका है और तीसरी बार ब्रेक करने की प्रॉबिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, वो आपको दोस्तों एक्सपीरियंस से जज होगा कि उसके अंदर डाउनसाइड या अपसाइड है या नहीं। ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के कुछ गोल्डन नियम है, इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों ये प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कि आप कैसे देखते हैं चार्ट को, और बताइए कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स। दोस्तों यही प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं, ब्रेकआउट हो गई, ट्रेंड ट्रेडिंग भी अलग से कवर कर देंगे, स्विंग हाई स्विंग लो मैंने बताया था, ट्रेंड ट्रेडिंग अलग से कवर कर देंगे, रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करना, यही सारी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती हैं। इसके अलावा कोई फैंसी चीज़ें नहीं है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, बहुत आसान चीज़ें हैं, बहुत ही आसान, बस यही है कि फॉलो करना उनको बहुत मुश्किल काम है क्योंकि उसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा चाहिए मार्केट में। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलें। थैंक यू दोस्तों।